उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ने यूपी बोर्ड 2021 के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट और नंबर देने का फॉर्मूला तकरीबन तय कर लिया है। इससे पहले एक आला सतह की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि 10वीं और 12वीं क्लास के नतीजों से गैर मुतमईन तलबा को हालत में सुधार होने पर इम्तिहान में बैठने का मौका दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें अपने नंबर बढ़ाने का मुनासिब मौका भी मिल सके। फिलहाल ज़्यादातर नंबर पिछली क्लास में हासिल शुदा नंबर और पहले मुनाकिद किए गए प्री बोर्ड इम्तहान की बुनियाद पर दिए जाएंगे। सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश की 10वीं बोर्ड इम्तहान के उम्मीदवारों को क्लास 9 से 50% और क्लास 10 के प्री बोर्ड के नंबर के 50% अंक को देखकर एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी किया जाएगा और 12वीं के जो बच्चे पढ़ने वाले छात्र हैं उनको 10वीं क्लास के 50% और 11वीं क्लास के 40% और 12वीं प्री बोर्ड के स्कोर के 10% नंबर देकर इम्तहान का नतीजे जारी किए जाएंगे। रिजल्ट का ऐलान करने के लिए कमेटी को रियासत के 3,910 सुझाव मिले थे, जिसमें 20 जून को सीएम योगी के सामने ड्राफ्ट के जरिए पेश किया जाएगा और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद ये फार्मूला नाफिज होगा।